नमस्कार दोस्तों, बगर टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम महाटेंडर साइट पे पेमेंट, जब हम पेमेंट करते हैं तो उसके प्रॉब्लम्स आते हैं, वो प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग हमने आज एक वीडियो बनाया है। बेसिकली जब हम पेमेंट करते हैं तो बहुत टाइम हमारे पास ऐसा होता है, पेमेंट करने के बाद भी मुझे पे नाउ का ऑप्शन दिखता है और जिसके वजह से हम बिड को फ्रीज नहीं कर पाते। अदरवाइज हम पेमेंट कर लेते हैं पर मुझे उसका रिसिप्ट जनरेट नहीं कर पाते, उसका रिसिप्ट जनरेट नहीं होता। और जब तक हम रिसिप्ट नहीं डालते, आपको पता है यदि मैंने पेमेंट कर भी दिया और टेंडर को फ्रीज भी कर दिया पर मैंने टीएमडी और टेंडर फीस का रिसिप्ट अपलोड नहीं किया तो मुझे टेक्निकल राउंड से बाहर कर दिया। तो यही सभी प्रॉब्लम्स के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, वो मैं वीडियो चालूंगा। यदि आप मेरे चैनल पे को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। देखिए, मैंने महाटेंडर साइट खोला है, mahatender.gov.in /NIC/GP/app। यहाँ पे जैसे मैंने दिया है वहाँ पे ऑनलाइन का ऑप्शन है, लॉग इन हो गया हूँ, ऑनलाइन पे जाता हूँ। ऑलरेडी ये टेंडर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने इसका पेमेंट कर दिया है, फिर भी मुझे यहाँ पे ऑनलाइन का बटन डिजेबल नहीं हो रहा है और ये अनेबल जब तक रहेगा तब तक मुझे मेरा बिल फ्रीज ले कर पाऊंगा। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ फिर से। तो मुझे यहाँ पे टेंडर फीस और ईएमडी दिखा रहा है 2853। एसबीआई बैंक चूज करता हूँ। पेमेंट बेसिकली आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे एसबीआई से पेमेंट ऑप्शन है बट हम बहुत सारे नेट बैंकिंग थ्रू से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। सबमिट करता हूँ। यहाँ पे ऊपर में देखिए पेमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, अभी हम पे नाउ पे जाके पेमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, डायरेक्ट पेमेंट के पोर्टल पे नहीं जाएंगे। यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। देखिए मेरा पेमेंट वेरीफाई हो गया सक्सेस। मैं इसी का पीडीएफ बनाऊंगा या स्क्रीनशॉट लूंगा और पीडीएफ या आर जैसे भी बोला है उस पर मैं ये रिसिप्ट को अपलोड कर दूंगा तो भी मेरा हो जाएगा। और अभी हम नेक्स्ट करते हैं तो देखो ये पे नाउ का ऑप्शन मुझे अभी नहीं दिखेगा। देखिए पे नाउ का ऑप्शन मेरे लिए चला गया। अभी मैं यहाँ पे इनक्रिप्ट एंड अपलोड में जाके डॉक्यूमेंट्स में अपना अपलोड करूंगा, टेक्निकल और फाइनेंस दोनों, और बाद में बिल को फ्रीज करूंगा तो अभी मेरा बिल फ्रीज हो जाए।